नमस्कार दोस्तों, इस लेसन में हम सीखने की कोशिश करेंगे जो सॉन्ग है तेरे हवाले। आप लोगों की काफ़ी डिमांड आई थी, तो ये फ्लूट है शिव्स म्यूजिक कंपनी की और स्केल है इसकी ई मीडियम। आपके पास जो भी स्केल की फ्लूट हो उसमें आप प्ले कर सकते हैं। अब आपको उठाना कहाँ से है ये सॉन्ग एक बार सुन लीजिए, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। तो जो लो ऑक्टेव का प नोट है वहां से आप इसको उठा सकते हैं। मैं अपने बेसिक कोर्स में बताता हूं कि आप जो सरगम है वो आप कहीं से भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एक स्केल आपको पकड़ना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो बजाने में। तो लो ऑक्टेव के प नोट से हमने सॉन्ग को उठाया, पगारेगा। हम जानते हैं कि तीन होल क्लोज करते हैं तो उसको हम सा बोलते हैं, फिर एक होल खोलेंगे तो रे, फिर ये हो जाएगा ग, और हाफ ओपन करेंगे तो म, प, ध, नी और सा। प बजाने के लिए हमको सारे होल्स क्लोज करना होता है। अब हम ये भी जानते हैं कि प जब आप प्ले करते हैं वो तीन ऑक्टेव में एक ही फ्लूट पर बजता है, जैसे कि लो ऑक्टेव, मीडियम ऑक्टेव और एक हाई ऑक्टेव। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने अपने कोर्स में बताया हुआ है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप आगे की चीज़ें समझ पाएंगे। तो जैसे कि इस सॉन्ग में मैंने उठाया प से लेकर आपको ग पर जंप करना है सीधे। तो प में हम जानते हैं सारे होल क्लोज और ग बजाने के लिए फर्स्ट होल क्लोज ओनली, बाकी सारे ओपन। फिर से देखिए, पगारेगा जरा कभी, जरा कभी पगारेगा। अब आपको ये चीज बोलना नहीं है जब आप प्ले करते हैं, आपको सिर्फ फूंक मारना है। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। उसके बाद न हो के भी करीब तू पगारेगा रेगा रेगा। इसके बाद हमेशा रे मार मारे रे सानी। रे रे मा मारे रे सानी। ठीक है, रे मा मारे रे सानी। नी पर आके हम होल्ड किए, इसी को फिर आपको दो बार रिपीट करना है क्योंकि सेम कंपोजिशन है आगे की लाइन की। इसके बाद जो भी है, जो भी है सा ग ग प, सा बजाने के लिए तीन होल क्लोज, ग के लिए फर्स्ट होल क्लोज और प बजाने के लिए सारे होल क्लोज। सा ग ग प। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये सब बजाने के लिए आपको नोट्स रटना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको ध्यान में रखना है कि जो गाने की कंपोजिशन है कहाँ पर उसमें आगे की तरफ जाना है, मतलब कि कहाँ पर उसमें चढ़ाव है और कहाँ पर उसमें उतार है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है और कहाँ पर पिच उसकी हाई हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग जो नोट्स हैं फ्लूट्स के वो आगे पीछे होते हैं, तो वो आपको ऑब्जर्व करना है धीरे धीरे, और जितने आप सॉन्ग्स प्ले करेंगे, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना वो आपको आने लगेगा। फिर से देखते हैं, सा ग ग प जो भी है सब तेरा, सॉरी सब मेरा, जो भी है सा ग ग प प ध प म ग रे। तेरे हवाले म ग रे सा नी सा।
रे मा गा। इसको पूरा एक बार फिर से लिखते हैं, सा गा गा पा पधा पमा मगा मगरे। इसके नोटेशंस मैं ट्राई करूंगा मेरा जो ऐप है उस पर डालने के, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है इनके साथ आईफोन यूजर, तो आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। फिर से देखिए, फिर से सेम कंपोजिशन है तो हम सेम नोट्स रिपीट करेंगे। अब एक बार आपने बेसिक चीज बजा ली तो उसके बाद उसमें हम इम्प्रोवाइज करके आगे पीछे के नोट्स थोड़ी बहुत हरकत उस तरीके से ले सकते हैं। मेरे कोर्स है उसमें मैंने सारे ऑर्नामेंटेशन कवर कराए हैं, तो इस तरीके से आप प्ले करने की कोशिश कीजिए। मुझे मालूम है कि एग्जैक्ट नहीं होगा, एग्जैक्ट आपको करना भी नहीं है, आपको अपना तरीका अपनी धुन नहीं लेके आनी। एक बेसिक धुन आप जो बजाना चाह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसमें आप कैसे इम्प्रोवाइज करते हैं, कैसे उसमें हरकत लाते हैं, कहाँ पर मधुरता लाते हैं, वो चीज़ आपको अलग बनाती है बाकी लोगों से। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।